सभी को श्रीलंका की तरफ से नमस्ते। विश्व रंग श्रीलंका 2020 भोपाल के रविंद्र नाथ ठाकुर विश्वविद्यालय के तत्वाधान में आयोजित भोपाल साहित्य कला महोत्सव विश्व रंग साहित्य कला महोत्सव का 2020 में किया जाने वाला ये आयोजन में हम अब भाग ले रहे हैं। इसके तहत हम श्रीलंका की तरफ से आपके सामने एक परिचर्चा को लेकर आना चाहते हैं। तो इसका मुख्य केंद्र एक सिंहली लेखक पर बना है। ये हैं स्वर्गीय लेखक, सिंहली लेखक मार्टिन विक्रम सिंह है। मार्टिन विक्रम सिंह जी सिंहली साहित्य में एक प्रणेता माने अगुवाई करने वाले लेखक माने जाते हैं। जैसे हिंदी साहित्य में प्रेमचंद, तो मार्टिन विक्रम सिंह जी के बारे में परिचर्चा करने के लिए, इस संवाद में भाग लेने के लिए आमंत्रित है इस पटल पर आज श्री जयवर्धनपुर विश्वविद्यालय के भाषा सांस्कृतिक और रंग कला विभाग की वरिष्ठ प्रा हिंदी की वरिष्ठ प्राध्यापिका डॉक्टर नीलांती राजपक्ष जी और राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रालय के अधीन आने वाला एक संस्थान जो है राष्ट्रीय भाषा शिक्षण तथा प्रशिक्षण से संबंधित गतिविधियों को चलाने वाले वाला एक संस्थान जो है उसका अकादमिक हिंदी से संबंधित अकादमिक अधिकारी के रूप में कार्यरत रिद्मा निषादिनी लंसकार जी। आप दोनों को हम इस पटल पर समादर समादरणीय रूप में आपका आमंत्रण हम करते हैं। तो सबसे पहले हम मार्टिन विक्रम सिंह जी के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में, ये कहाँ जन्मे और कहाँ पले फूले और किस प्रदेश में उनका वो पालन पोषण हुआ, इस तरह के वो व्यक्तित्व से संबंधित कुछ जानकारी हम हमारे प्रेक्षकों के साथ, सुनने वालों के साथ हम क्या वो साझा करेंगे। तो नीलांती जी, आप शुरू कीजिएगा। नमस्कार सभी को। जैसे भारत में उपन्यास सम्राट, कहानी सम्राट प्रेमचंद है, वैसे ही हमारे देश में मुख्य साहित्यकार या श्रेष्ठ महान साहित्यकार के रूप में मार्टिन विक्रम सिंह विख्यात है। महागतकर नाम से उनका अभिहित किया गया है। तो मार्टिन विक्रम सिंह का जन्म श्रीलंका के दक्षिण भाग के गाल जिले के कोग्गल गांव में 29 मई 1890 को हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के अंतरिक्ष गुरु के घर पर हुई और अच्छा, इसका मतलब ये उनकी शिक्षा घर पर ही हुई, स्कूल नहीं गई ना, पाठशाला नहीं गए वे। हाँ, बाद में सर गाल बोनविस्टा पाठशाला में अच्छा उनका नाम लिखवाया गया। अच्छा अच्छा और 1901 में पिता की मृत्यु हो जाने के कारण उनको स्कूल छोड़ना पड़ा। बाद में 1904 में अहंगम सिंहली स्कूल में और 1905 में अहंगम अंग्रेजी स्कूल में उनका अध्ययन कार्य हुआ, परंतु आर्थिक संकट के कारण उनको अहंगम अंग्रेजी पाठशाला को भी छोड़ना पड़ा। बाद में उन्होंने स्वयं अध्याय से ज्ञान अर्जन किया है। अच्छा वो स्वयं अध्ययन का मतलब ये कहीं विश्वविद्यालय आदि उच्च शिक्षा प्राप्त करने में किसी संस्थान में या किसी विद्यालय में नहीं गए मेरे कहे, वो स्वयं अध्ययन से ही ज्ञान अर्जन करना शुरू किया है।
उन्होंने अच्छा वो व्यक्तित्व के बारे में वृद्धमा जी आप भी कुछ सुना सकती हैं मार्टिन विक्रम सिंह जी के बारे में। जी मार्टिन विक्रम सिंह जी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे अपने स्व अनुभवों पर ही अपना रचना कार्य आगे बढ़ाया है। वे अपने बचपन से प्रकृति प्रेमी रहे, वे अपने गांव के वातावरण से बहुत प्यार करते थे। वैसे उनका गांव दक्षिण श्रीलंका में बसा हुआ था। वह गांव एक समुद्र तटीय गांव था। अच्छा। तो वे अपने बचपन से हमेशा समुद्र तट में जाया करते थे, अपने दोस्तों के साथ गांव के जंगलों में घूमते फिरते थे। जंगली पशु पक्षियों से वे मतलब व्यवहार कर रहे थे। उनमें हमेशा ये कौतूहल था कि ये पेड़ पौधे उगते कैसे हैं और ये जानवरों का जन्म कैसा कैसे होता है, उनके शरीर अवयवों का विकास कैसे होता है। ये ऐसी बातों को लेकर वे कौतूहल रखते थे अपने अंदर। तो इसी नींव पर ही उनके सशक्त रचना कार्य का विकास हो गया है। मैं आप सभी के सामने उन्हीं के कुछ उद्धरणों को आप सभी के सामने रखना चाहती हूँ। वे अपने आप कह रहे हैं कि जिस प्रकार किसी ग्रामीण बाह्य शरीर का विकास भी हुआ है, मैंने किसी उच्च विद्यालय अथवा किसी महान पंडित से ज्ञान प्राप्त नहीं किया, बल्कि लगन से पुस्तकें पढ़ने से ही मैंने अपने भीतरी भाग का विकास पाया है। तो वे कह रहे हैं कि ये प्रकृति प्रेमी रहने के अलावा उनमें एक बहुत ही अच्छी आदत थी, वो है पुस्तकें पढ़ना। पुस्तकें अच्छा। पढ़ पढ़ के ये उनके इस सतत अभ्यास से ही जो भी ज्ञान उनमें था वे सब अर्जित किया है। वही विशेषता है। इसी विशेषता के कारण मतलब वैसे वे किसी विश्वविद्यालय के विद्यार्थी नहीं रहे, पर आजकल श्रीलंका के सभी विश्वविद्यालयों में उनकी कृतियों को लेकर अध्ययन हो रहा है। अच्छा ये तो बड़ी बात है मेरे ख्याल से। अगर जी अगर जो जो सोचते हैं कि विश्वविद्यालय जाके ही स्नातक बनना है, उपाधि लेनी है, अगर ये सब ये इसकी ज़रूरत नहीं, अगर पढ़ने वाले जहाँ होते हैं चाह होते हैं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं उनकी एक बहुचर्चित माने मशहूर तस्वीर। तो वो ये एक मिसाल है, एक उदाहरण है। तो स्वयं अध्ययन से ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। तो उनके ज़माने में वो विश्वविद्यालय थे, लेकिन वो वहाँ जाने का कोई मौका तो नहीं मिला उनको, लेकिन पढ़ने से, पठन पाठन से ही, स्वयं अध्ययन से ही ये सब उन्होंने अर्जित किया है। अच्छा वो अगर हम वो उनके परिसर से मेरे ख्याल से उनकी कई कृतियां हैं, तो अपने वातावरण से संबंधित कृतियां, कहानी संग्रह और एक युवा उपन्यास भी है मेरे ख्याल से, मडल द्वीप नामक एक उपन्यास है। वो माने उसमें अपने अपने ही परिसर का परिसर को ही पृष्ठभूमि बनाकर उन्होंने ये उपन्यास लिखा था। ये है ये उनका परिसर, वातावरण। आप देखिए इसकी हरियाली कैसी है, कितना हसीन दृश्य है ये। उनके आसपास ऐसा वातावरण था। और कुछ नीलांती जी, आप व्यक्तित्व से संबंधित उनके माने और शिक्षा के बाद वो कुछ नौकरी पे गए, वो कहाँ पर नौकरी की उन्होंने?
जी सर, 1906 में उन्होंने कोलंबो में एक क्लर्क के रूप में, मुंशी के रूप में काम शुरू किया है, अच्छा और अच्छा नौकरी नौकरी करने के साथ साथ स्वयं अध्ययन भी करते थे। अच्छा 1920 में दिनमिन समाचार पत्र के उपसंपादक के रूप में नियुक्त हुए, और अच्छा 1931 के अंत में उन्होंने सिलुमिना पत्र के संपादक के रूप में काम करना शुरू किया है। अच्छा, और ये भी बात आगे आती है, निकट आती है कि माने वो निकल आती है कि ये कभी वो सरकारी नौकरी करने पर वो उनका मन नहीं था मेरे ख्याल से, वो एक पत्रकार के रूप में रहना, वो क्योंकि उनके लिखने पढ़ने की आदत ही थी, उसी की वजह से उन्होंने ये पत्रकारिता से प्रेम किया होगा उन्होंने, इसी की वजह से वे अनेक पत्र पत्र पत्रिकाओं में काम करने लगे। अच्छा, आगे 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 सुनाइए आगे वो, और 1946 की नौकरी के बारे में मर रहे। जी हाँ बताइए रिद्मा जी। हाँ हाँ जी, उनकी उनकी नौकरी के बारे में मैं थोड़ा और मतलब आप लोगों से बांटना चाहती हूँ, जो मेरे पास एक बात है उनके बारे में। वैसे किसी भी लेखक के सामने दो संघर्ष होते हैं, वैसे हम अच्छा देखते हैं, एक है लेखन का संघर्ष और जीवन का संघर्ष, हम अच्छा सभी का है। तो लेखक का भी, लेखक के पास भी वही दो संघर्ष होते हैं। वैसे यदि वो रोजी रोटी की लड़ाई लड़ता है तो लेखन के मोर्चे पर उसकी पराजय जरूर होती है, अच्छा और ठीक है। अगर वो लेखन के मोर्चे पर खड़ा हो जाता तो जीवन का जो युद्ध है वो हार जाता है। ये दो नावों पर एक साथ पैर रखने वाला जो है वो दोनों से हार जाता है। पर अच्छा अच्छा मार्टिन अच्छा विक्रमसिंघे जी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो लेखन कार्य अपने रोजी रोटी के लिए मतलब प्रयोग किया था। वे अच्छा वैसे कभी अपना लेखन कार्य रोजी रोटी कमाने के लिए उसका प्रयोग कभी नहीं किया है। दिल लगा अच्छा के अच्छा लगे मतलब मन लगा के लेखन कार्य ही बस किया है। मैं अच्छा सोचती हूँ उसके ये विशेषता है, और अच्छा उसके ये सफलता का एक कारण ये भी होता है। अच्छा ये हमारे लिए भी एक आदर्श बन जाता है। तो जी ये माने एक जीवन की नई दृष्टि है, मेरे ख्याल से एक जीवन की नई दृष्टि है, कैसे जिए इस दुनिया में, जो उन्होंने अपने ही मिसाल से, अपने ही उदाहरण से, अपने जीवन से ही ये उदाहरण उन्होंने दिया है मेरे ख्याल से। अच्छा, वो हमने थोड़ी चर्चा ज़्यादा की, मैं सोचता हूँ कि तो उनके व्यक्तित्व के बारे में, और अंत में उनका निधन कब हुआ? निधन 23 जुलाई 1976 में। 1976 में, अच्छा हाँ 1976 में, अच्छा वो माने 70 के दशक में उनका निधन हुआ, लेकिन 1890 से लेकर 1970 के दशक तक उनके जीवन में, उनके जीवन से बहुत कुछ साहित्य जगत को मिला है मेरे मेरे ख्याल से। तो उन्होंने, मुझे ये पता है कि उन्होंने अनेक देशों में भी, अनेक देशों में माने यात्रा यात्रा की, अनेक देशों की। ये आप देखिए, उनका ये घर, दो पुश्तैनी घर अभी भी संरक्षित है कोग्गल नामक दक्षिण श्रीलंका की एक गांव में, ये अभी भी ये संरक्षित है एक संग्रहालय के रूप में, अब ये सुरक्षित है माने भविष्य की पीढ़ियों को देखने के लिए। उन्होंने रूस गए, युगोस्लोविया गए, चीन गए, ऐसे ऐसे अनेक देशों में वे जाते रहे, और जाते जाते अनेक उन्हीं देशों के अनेक लेखकों से भी बहुत प्रभावित हुए, और अंग्रेजी साहित्य
बहुत करीब से उन्होंने इसका इस्तेमाल किया है अंग्रेजी साहित्य को। शायद मेरे ख्याल से उन्हें वो रूसी जैसी भाषाएं भी आती थी उनको, रिद्वा जी। जी, वैसे उनके समझ में बहुत नहीं थी मतलब भाषा का ज्ञान, पर कुछ जी कुछ वे मतलब अंग्रेजी किताबों को पढ़ाया करते थे वे। अच्छा और उनकी विशेषता ये होती है कि उनके बहुत सारी किताबें जैसे माडोल दू माडोल द्वीप जी हिंदी जी से अगर हाँ उनका उसका जी अनुवाद किया तो, और गम पेरेलियम गांव का रूपांतरण, जी तो ये सब बहुत सी भाषाओं में इन कृतियों का अनुवाद हो गया है। रूसी, जापानी, चीनी, अंग्रेजी, ये बहुत फ्रांसीसी। सारी भाषाओं में हाँ अनुवाद हुआ। हाँ, फ्रांसीसी, अच्छा 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 फ्रांस रूसी, जापानी, ये ऐसी भाषाओं में। अच्छा। अब तो हम उनके बारे में बातें करते समय, जी हाँ बोलिए 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 आगे बोलिए। उनके बारे में बातें करते समय ये भी मतलब विशेष बात होती है कि श्रीलंका के में उस उनके जमाने व्यक्तिगत सबसे बड़ा व्यक्तिगत पुस्तकालय उनका ही रहा है। उस अच्छा पुस्तकालय अच्छा में बहुत सारी किताबें हम आज भी देख सकते हैं। तो अच्छा एक ये जो एक रिकॉर्ड जैसा है, जी व्यक्तिगत सबसे बड़ा पुस्तकालय उनका ही था, तो उन पढ़ने में उनमें जो रुचि थी हम उसी से ही जान सकते हैं। आज भी हम देख पाते हैं वो जी 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 पुस्तकालय। अच्छा और ये सबसे पहले सिंहली भाषा में विज्ञान से संबंधित जानकारी भी उन्होंने ही दी है। अच्छा। तो मेरे ख्याल से अब ये पुस्तकालय राष्ट्रीय श्रीलंका राष्ट्रीय पुस्तकालय में सुरक्षित है उनका उनका ये पुस्तकों का संग्रह नेता मतलब पुस्तकों का ये पुस्तकालय अभी भी सुरक्षित है राष्ट्रीय स्तर पर कोलंबो में, कोलंबो शहर में राष्ट्रीय पुस्तकालय सेवा मंडल में। तो हम उनकी कृतित्व पर उनकी उनके द्वारा रचित कृतियों पर भी हम अगर ध्यान दें तो अच्छा रहेगा। ये आप ये तस्वीर देखिए, ये अभी अभी वो तस्वीर आ गई, तो उनकी पुश्तैनी घर की घर है वो। ये आप देखिए वो परिसर और वातावरण एकदम केरल जैसा लगता है, लेकिन ये केरल नहीं है, वो श्रीलंका ही है। अच्छा नीलांती जी, आप शुरू करें उनके कृतित्व के बारे में, उनके द्वारा रचित कृतियों के बारे में भी हम कुछ चर्चा करेंगे। मार्टिन विक्रम सिंह ने अपना पूरा जीवन साहित्य कार्य के लिए ही बिताया है। उनका रचना क्षेत्र बहुत विस्तृत है। उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, बाल साहित्य, आलोचना, विज्ञान एवं उद्विका संबंधी कृतियां, अंग्रेजी कृतियां आदि बहुत कृतियों की रचना की है। और इसके ये भी बताना चाहती हूँ कि उनकी पहली रचना है 1903 में रचित बालोपदेशे, पद्य संग्रह है। और अच्छा उपन्यास शास्त्र के बारे में बात करें तो 13 उपन्यासों की रचना की है। 13 उपन्यासों में से गम पेरिलिया कलियुगे युगांत्य जो तीनों अब जो उपन्यास अब जो अब उपन्यास है। आपके सामने ये उनके उन्हीं किताबों के आवरण आपके सामने आए थे, गंपेरलीय, कालियुगे और युगांत्य। ये तीनों बहुत ही मशहूर उपन्यास माने जाते हैं सिंहली भाषा में। ये आप देख सकते हैं आप। अच्छा सुनाइए आगे 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 बढ़िए। आगे कहानी शास्त्र के संबंध में बात करें तो उन्होंने वो 112 कहानियों की भी रचना की है। उनमें अच्छा से पहली कहानी संग्रह है गहनिया, और इसके अलावा पवकारयाट गर्गसीम, वहालु, हंदसा किकीम, बिल्लसहा पुरमुन, उनके बहुचर्चित कहानी संग्रह हैं। अच्छा। ये उन्होंने ये एक युवा उपन्यास भी लिखा मेरे ख्याल से, ये मडोल दू नामक, मडोल द्वीप एक युवा उपन्यास, बहुत ही चर्चित उपन्यास रहा ये। बाद में इसका एक माने सिनेमा
चलचित्र भी बना मेरे ख्याल से। लेकिन ये केवल यही नहीं, उनके कई उपन्यासों को लेकर अनेक फिल्में भी बनी हैं श्रीलंका में, गम पेरेलिए और विरागय जैसे उपन्यासों को लेकर फिल्में भी बनाई गई। और रिद्मा जी, उनके कृतित्व के बारे में तो आपने शोध किया मेरे ख्याल से उनकी कहानियों के बारे में, उनकी और यशपाल की, हिंदी साहित्य के कथाकार यशपाल और मार्टिन विक्रम सिंह, दोनों का एक तुलनात्मक अध्ययन आपने प्रस्तुत किया मेरे ख्याल से बीए उपाधि के लिए, तो उस बारे में भी कुछ सुनाएं। जी, मुझे अपनी बीए उपाधि के लिए सिंहली कथाकार मार्टिन विक्रम सिंह जी और हिंदी कथाकार यशपाल जी के उपन्यासों में निहित सामाजिक यथार्थ पर काम करने का सुअवसर मिल गया है, और उसी के साथ साथ उन दोनों में पाए गए समानताएं और असमानताएं लेकर मुझे मेरे ज्ञान मतलब जो विस्तृत होने के कारण मैंने अपनी एमफिल उपाधि के लिए भी उन दोनों के द्वारा रचित उपन्यासों को लेकर काम किया है। तो इन दोनों अध्ययन से मुझे मेरे समझ में ये बात आ गई कि यशपाल और यहाँ की मतलब सिंहली साहित्य के उपन्यास सम्राट मार्टिन विक्रम सिंह जी, दोनों में बहुत सारी समानताएं हैं। मतलब वे दोनों दो भौगोलिक क्षेत्रों में रहने पर भी, ये दोनों कभी एक साथ ना मिलने पर भी, एक स्तर में दोनों के विचार समान रूप में मिल रहे थे। उन दोनों ही के कलमों से एक ही विषय को लेकर कहानियां मतलब लिख रही थी। मुझे मेरे अध्ययन से मैं ये बात जान गई। वैसे मार्टिन विक्रम सिंह जी द्वारा रचित कहानियों के बारे में बात करते समय सिंहली कहानी साहित्य के सबसे पहला मतलब यथार्थवादी सबसे पहली यथार्थवादी कहानी भी उन्हीं के द्वारा उसकी रचना हुई है। ये इस कहानी का मुख आवरण है, तो आप सभी देख सकते हैं। कहानी का नाम है गहनिया, हिंदी में उसका अनुवाद है एक औरत। यही सिंहली साहित्य का सर्वप्रथम यथार्थवादी कहानी है जिसकी रचना मार्टिन विक्रम सिंह जी ने की है। वैसे उनकी कहानियों के बारे में बात करते समय वे अपने बचपन से उनके द्वारा अनुभव किए गए गांव की सुंदरता, लोगों के पारस्परिक सोच विचार, निर्धनों की वास्तविक स्थिति का यथार्थ पर वर्णन उनके द्वारा कृत कहानियों के वर्ण्य विषय रहे। तो इस बात को लेकर वैसे मार्टिन विक्रम सिंह जी अपने घुटनों पर चल रही सिंहली कहानी को अपने पांव के बल पर खड़े होने को सिखाया है। मतलब अच्छा। वैसे कहानी में कैसे गुण होते हैं मार्टिन विक्रम सिंह के कहानियों से ही बहुत ही लेखक उसके बाद कहानी क्षेत्र में कहानी साहित्य में आ गए लेखक उनकी कहानियों को पढ़कर उनका अध्ययन करके ही वे लोग जान गए हैं। और एक बात मैं जोड़ना चाहता हूँ, ये विचारकों का कहना है, उनको पाश्चात्य साहित्य से, पाश्चात्य कहानी साहित्य से बहुत कुछ प्रभाव मिला है, और लेकिन ये मना कर रहे हैं, इसका इनकार कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमारे जातक कथा संप्रदाय से ही कहानियों का आरंभ, कहानियों कहानी विधा का आरंभ सिंहली में हुआ है। इस बारे में भी थोड़ा कुछ अगर चर्चा करेंगे तो अच्छा रहेगा। सिंहली कहानी का आरंभ बौद्ध धर्म से संबंधित जातक कथाओं से हुआ है,
और इसका प्रभाव मार्टिन विक्रम सिंह का वो कहना है कि इसका प्रभाव उन पर पड़ा है, और पाश्चात्य सभ्यता से संबंधित जब अंग्रेजी पुस्तकों को उन्होंने परिशीलन जरूर किया है, पर अपने मन की बात अपनी कहानियों और उपन्यासों के द्वारा उन्होंने वो सभी पाठकों को प्रस्तुत किया है। अच्छा। रिद्मा जी, आप भी कुछ उसमें जोड़ दीजिए जो है आपके पास। जी, मुझे लगता है सर कि ये उपनिवेश के कारण, उपनिवेश मतलब ब्रिटिश साम्राज्य का उपनिवेश था, जब मार्टिन विक्रम सिंह जी सिंघली में जब लिख रहे थे तब वो उपनिवेश का समय ही चल रहा था, तो उसी बात के कारण वैसे हिंदी साहित्य में भी यही मतलब ये बात मानते हैं, ये कहानी और मतलब गद्य विधा का उद्भव और विकास को लेकर सिंघली साहित्य में और हिंदी साहित्य में दोनों में अनेक मत है। अनेक मत है, तो ठीक है। एक हाँ एक मत है वैसे देशी मतलब देशी साहित्य से ही प्रभावित है गद्य साहित्य, एक मत अच्छा। है, और दूसरा मत है उपनिवेश के कारण बहुत लोग अंग्रेजी किताबें पढ़ रहे थे, अंग्रेजी उपन्यास कहानी और नाटक ये सब हमारे देशों में आ गए थे, उसी से प्रभावित होकर हमारे साहित्य का भी विकास हो गया है, वे दूसरा मत है। पर अच्छा। मार्टिन विक्रम सिंह जी ये दूसरे मत को मतलब दी, उपनिवेश के कारण हमारे साहित्य का विकास हो गया है इसका निषेधन खंडन, करता है अच्छा, पूरा, खंडन करते हाँ हैं वो उसका। खंडन करता है। तो वे ये कह रहे हैं कि हमारे बौद्ध साहित्य है और देशी निजी साहित्य है सिंहली भाषा को लेकर, तो उसी से ही हमारा गद्य साहित्य प्रभावित है, उन्हीं का यही मत है। अच्छा। तो पीएचडी की है डॉक्टर नीलांती राजपक्ष जी ने महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में, वर्धा में, तो आपका शीर्षक भी इससे संबंधित था मेरे ख्याल से। हाँ जी सर, शीर्षक है वो प्रेमचंद और मार्टिन विक्रम सिंह की कहानियों में चित्रित सामाजिक यथार्थ। अच्छा, ये है किताब। अच्छा, आप दिखा रही हैं। अच्छा, हाँ तो उसमें किन किन निष्कर्षों पर आप पहुंची इस बारे में, और समय अभाव के कारण वो बहुत ही संक्षिप्त रूप में अगर आप प्रस्तुत करें तो अच्छा रहेगा। हाँ सर, समानता और असमानता, समानताओं के साथ साथ असमानताएं भी है, मैं समानताओं के संबंध में बात करना चाहती हूँ। जी। दोनों लेखकों ने दाहिक प्रथा से संबंधित कहानियां लिखी हैं, मार्टिन विक्रम सिंह की मगुल गिद्ध कहानी और इसके साथ साथ वो प्रेमचंद के कुसुम जी, नामक एक कहानी है, दोनों दाहिक प्रथा से संबंधित है। अच्छा। और इसके साथ साथ हमें मालूम है कि प्रेमचंद जो है आदर्शवादी कहानी, उनके वो आदर्शवादी कहानी हम देख सकते हैं, और एक उदाहरण है बड़े घर की बेटी, वैसे ही आदर्शवादी कहानी लिखी है वो मार्टिन विक्रम सिंह ने, इरुणकबायर, अच्छा, इसमें ऐसी फटा और हुआ था खोट। अच्छा। तो एसिडा नामक वो एक चरित्र है, उसमें विपत्ति में पड़े अपने पति को बचा लेती है, तो एक आदर्शवादी कहानी है। और दोनों कहानीकारों ने पाश्चात्य सभ्यता या संस्कृति को अपनाने वाले वाले लोगों को व्यंग्य किया है, और साथ ही साथ वेश्या जीवन से संबंधित कहानियां भी दोनों ने रचना की, इस प्रकार समानताएं हमें देख सकते हैं। अच्छा, ठीक है रिद्मा जी। और 4-5 मिनट बच गए हैं, इसमें आप जो कुछ जोड़ सकती हैं तो जोड़ दीजिए इसके समापन से पहले। जी,
मैं ये बात आप सभी के सामने रखना चाहती हूँ कि वैसे बहुत सारी भाषाओं में मार्टिन विक्रम सिंह की रचनाओं का अनुवाद हो गया है, पर हिंदी भाषा में ऐसा नहीं हुआ था। पर तो ये बात को सोचकर मैंने उनके कुछ कहानियों का हिंदी में अनुवाद किया है, जी, जिसका अच्छा प्रकाशन वो इससे जी दो जी साल लगभग अच्छा, वो आपने 2 साल पहले आपने हो गया है। अच्छा जी 5 कहानियों का अनुवाद किया सिंघली कहानियों जी का, ये पहली बार हुआ है। जी तो उसका विमोचन मेरे ख्याल से वो त्रिशूर में हुआ था, जी भारत केरल में। जी अच्छा ठीक है, जी ठीक जी ठीक वही ठीक ठीक तो वही मतलब हिंदी भाषा और मार्टिन विक्रम सिंह को जोड़ने का मतलब सुअवसर मुझे मिल गया है इस कृति के अच्छा साथ ही साथ। अच्छा और मैं मैं इसी बात के साथ साथ आप हमारे सर केलनी विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के विनेत्री वरिष्ठ प्रोफेसर उपुल रंजित हेवा वितानगमगे जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। उन्हीं के मार्गदर्शन से ही ये सब हो गया है और आज ये पटल पर हमें आमंत्रण भी उन्होंने ही दिया है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर नीलांत जी, आपको भी बहुत धन्यवाद इस चर्चा में भाग लेने के लिए। आप दोनों आ गई तो इससे हम सोचते हैं कि हमारे प्रेक्षक, हमारे दर्शक, उस दर्शकों ने समझ लिया होगा कि मार्टिन विक्रम सिंह नामक एक सिंहली महान लेखक थे लंका में। तो उनसे उनके साथ माने उनसे संबंधित साहित्य की गतिविधियों की जानकारी आपको मिल गई होगी मेरे ख्याल से। और ये ऐसी प्रक्रिया भी चल रही है कि एक नीलांती जी ने पीएचडी की, उन तुलनात्मक अध्ययन किया, और रिद्मा जी ने बीए और एमफिल दोनों के लिए मार्टिन विक्रम सिंह को लेकर और हिंदी साहित्यकार को यशपाल को लेकर तुलनात्मक अध्ययन किया। इसी तरह अनेक अध्ययन आगे में भी हो जाए और ये दोनों तरफ हिंदी साहित्य जगत और सिंहली साहित्य जगत दोनों को समृद्ध बनाने के लिए हम कोशिश करेंगे भविष्य में भी। ये विश्व रंग श्रीलंका से हम आपके साथ जुड़ रहे हैं इस माध्यम से, पटल पटल से। तो हम संतोष चौबे जी के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम को हम हमारी तरफ से, श्रीलंका की तरफ से हम हमारे शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं हम देना चाहते हैं, और इसके साथ जो बहुत बड़ा दल है इसे आगे ले जाने के लिए, और उनको शक्ति और धैर्य मिले आगे में भी और अगले साल में भी इस तरह का भव्य आयोजन करने में। वो कोरोना त्रासदी के कारण ये सब इसी तरह डिजिटल मंच पर हमें करना पड़ा है। तो हम आगे ऐसी हमारी कामना है कि अगले वर्ष हम एक साथ भोपाल में मिलके ये साहित्य कला महोत्सव, विश्व रंग साहित्य कला महोत्सव हम संपन्न कराने में हम समर्थ होंगे, ऐसी कामना है। तो श्रीलंका की तरफ से आप सभी को हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं, आप सभी को धन्यवाद, धन्यवाद।